हेलो एवरीवन, मैं हूं दीपक पंत और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल गुरुजी उत्तराखंडी। हम यहां पर उत्तराखंड से रिलेटेड वीडियोस अपलोड करते हैं और दोस्तों आज की जो वीडियो है यह एक स्कॉलरशिप यानी छात्रवृत्ति योजना के लिए एक वीडियो है जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि चीफ पोस्टमास्टर जनरल उत्तराखंड परिमंडल देहरादून द्वारा एक अधिसूचना जारी की गई है जिसमें लिखा हुआ है कि भारत सरकार डाक विभाग द्वारा जो विद्यार्थी अपनी अभिरुचि डाक टिकटों के संग्रह में रखते हैं उनकी डाक टिकटों के संग्रह की अभिरुचि के संवर्धन हेतु दीनदयाल स्पर्श योजना के रूप में छात्रवृत्ति योजना शुरू की गई है। इच्छुक अभ्यर्थियों से प्रविष्टियां आमंत्रित की जाती हैं। संबंधित प्रतिभागियों द्वारा प्रविष्टि अपने संबंधित मंडलीय कार्यालय में जमा की जाएगी जिसका पत्राचार लिखित क्विज परीक्षा मंडल स्तर पर आयोजित की जाएगी। इस योजना के तहत कक्षा 6 से लेकर कक्षा 9 तक के विद्यार्थियों जिनका शैक्षणिक रिकॉर्ड अच्छा हो उन्हें क्विज प्रतियोगिता या प्रोजेक्ट के आधार पर छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। यह छात्रवृत्ति प्रतिमाह 500 रुपया और वार्षिक 6000 रुपया होगी। इसमें जो है यह जो पात्रता के शर्तें हैं इसमें उम्मीदवार भारत के किसी भी मान्यता प्राप्त विद्यालय में कक्षा 6 से 9 का छात्र होना चाहिए, उसका शैक्षणिक रिकॉर्ड 60% या उसके समकक्ष होना चाहिए और जहां पर अनुसूचित जाति और जनजाति के आवेदकों को 5% की छूट दी जाएगी। अब यहाँ पे देखिए आपको देखना पड़ेगा कि यहाँ पे लिखा हुआ है संबंधित विद्यालय का स्वयं का फिलेटली क्लब हो और उम्मीदवार उस क्लब का सदस्य होना चाहिए। यह चयन प्रक्रिया क्या है? इस चयन प्रक्रिया के अनुसार दो स्तर पर परीक्षा होगी। मंडल स्तर पर सितंबर अक्टूबर 2019 में लिखित क्विज प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। परीक्षा स्थल की सूचना मंडलों द्वारा अलग से दी जाएगी। मंडल स्तर पर लिखित प्रतियोगिता में चयनित प्रतिभागियों द्वारा फिलेटली से संबंधित एक प्रोजेक्ट बनाना होगा जिसका शीर्षक परिमंडलीय कार्यालय द्वारा बाद में सूचित किया जाएगा। इस परीक्षा का पाठ्यक्रम जो होगा यह बहुविकल्पी तरीके का होगा जिसमें सामान्य ज्ञान, इतिहास, विज्ञान, खेल, संस्कृति, भूगोल व फिलेटली क्षेत्रीय और राष्ट्रीय से संबंधित प्रश्न सम्मिलित होंगे। इसके आवेदन के लिए आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट www.indiapost.gov.in से भी आप ले सकते हैं या जो भी संबंधित डाक हैं, डाकघर कार्यालय हैं, वहां से आप ले सकते हैं। देखिए जैसे यहाँ पे आपका लिखा हुआ है अधीक्षक डाकघर माल रोड अल्मोड़ा, गोपेश्वर, देहरादून, तल्लीताल, नैनीताल, पौड़ी, पिथौरागढ़ और नई टिहरी। आवेदन पत्र के लिफाफे पर ऊपर स्पष्ट रूप से दीन दयाल स्पर्श छात्रवृत्ति योजना और स्वयं का पूर्ण पता, मोबाइल नंबर सहित लिखा होना चाहिए। और दोस्तों इसकी लास्ट डेट है 20 सितंबर 2019, यानी जितने भी आपके ये सभी एप्लीकेशन फॉर्म है वो पंजीकृत डाक स्पीड पोस्ट द्वारा संबंधित मंडलों में 20 सितंबर 2019 तक अवश्य प्राप्त हो जाने चाहिए। यदि आपको अभी भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप इनके दूरभाष नंबर 01352658724 पर भी संपर्क कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको आज की यह वीडियो कैसे लगी छात्रवृत्ति योजना की? हम आप लोगों के लिए ऐसे ही और भी वीडियोस लाते रहेंगे। उत्तराखंड से संबंधित और अधिक वीडियोस देखने के लिए आप गुरुजी उत्तराखंड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर सकते हैं ताकि भविष्य में आपको सबसे पहले वीडियो देखने के लिए मिल जाए। मैं मिलता हूँ दोस्तों आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भारत, जय उत्तराखंड।